अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही सॉफ्ट इडली, तड़का इडली लेकर आई हूँ, उसकी रेसिपी। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चले देख लेते हैं, हम मिनी इडली बनाएंगे। हम ये हमारा इडली का बैटर है, इसकी रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम मिनी इडली बनाएंगे इस तरीके की, छोटी छोटी प्याली में मिनी तड़का इडली बनाएंगे हम। ये देखिए हमारा पानी भी इधर एक तरफ स्टीम हो चुका है। देखिए अब हमें एक एक करके प्याली को पूरा हमें नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखना है क्योंकि हमारी इडली फूलेगी। ये हम तड़का इडली बना रहे हैं, आप जरूर बना के एक बार ट्राई करना। और मेरे चैनल पे प्लीज नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। और मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं कमेंट में मुझे बताइए, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है क्या, आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए इस तरीके से, आपके पास स्टील की कटोरी भी होगी तो आप कटोरी में भी बना सकती है, या मिनी इडली मोल्ड भी आता है आप उसमें बना ले, संभाल के रखे। देखिए पानी से भाप ना लगे, इसमें मेरे चार पांच आ जाएगी, चार पांच लगा दूंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से, इडली का बैटर बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके वहां देख सकते हैं। इसे अब हम मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। चल इसे कवर कर दे रही हूँ मैं। ये देखिए हमारी इडली रेडी हो गई है, अब हम इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करके फिर मैं आपको निकाल के बताती हूँ। इडली कभी भी ठंडी करके निकालना चाहिए, गरम इडली आप कभी भी मत निकालना, तो ठंडी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इडली निकाल ली हूँ, कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बनी है, जालीदार एकदम, बिल्कुल भी सॉफ्ट एकदम। अब मैं इस इडली को इस तरीके से दो पीस में काट लूंगी क्योंकि हमें इसे तड़का लगाना है अभी। कितनी जालीदार हमारी इडली बनी हुई है, एकदम सॉफ्ट जालीदार बनी है। देखिए इस तरीके से मैं कट कर ली हूँ। अभी तड़के में देखिए एक चम्मच, छोटे चम्मच से तेल डाल के इसके अंदर हम डालेंगे राई, डालेंगे एक टीस्पून राई जाएगी, कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ते को ऐसे छोटा छोटा तोड़ के डालेंगे, बड़ा नहीं डालेंगे, छोटा तोड़ने में ना फ्लेवर अच्छा आता है। इस तरीके से देखिए इसके अंदर डालेंगे हम इसे थोड़ा सा एक पिंच के करीब हल्दी पाउडर और उतना ही कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे हम, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे तब तेल में एक साथ। और फिर जो हमारी इडली है इसके अंदर हम डाल के फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही देखिए मैं बना रही हूँ इस तरीके से, तड़का सब में लग जाए, जितनी इडली हमारी सारी इडली में तड़का लग जाए। इस तरीके से हमें सब इडली को देखिए ऐसे तड़के में लगा लेना, आप एक बार जरूर ट्राई करना। एक तो हमारी इडली इतनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है उससे ये तड़का लग जाता है, तड़का इडली बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बच्चे नाश्ते में बना के खा सकते हैं। ये खाई इसकी यानी ये खासियत है कि हमें इस तरीके से बना के खाने में हमें चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उसे चटनी के साथ खाएं, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके पास गन पाउडर होएगा तो आप गन पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया, ये देखिए
बस फटाफट से बन जाती है, कुछ टाइम नहीं लगता। ये देखे बन गई हमारी इडली। चलिए अब आपको मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी तड़का इडली रेडी हो गई है, कितनी अच्छी एकदम सॉफ्ट बनी है, आप ये देख सकते हैं। देख लिए, देखिए कितनी सॉफ्ट है। आपको प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए अगली रेसिपी लेकर आती हूँ, जब तक के अल्लाह हाफिज़।